कश्मीर वेन यू हियर द वर्ड कश्मीर व्हाट इज द फर्स्ट इमोशन दैट कम्स टू योर माइंड लाइक हाउ डू यू रिएक्ट जब भी कश्मीर से संबंधित कोई बात होती है या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या ये वर्ड जब भी सुनते हो कश्मीर व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन द फिजियोलॉजिकल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल वट एग्जैक्टली इज दैट विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो अबाउट द पाकिस्तानीज पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बेसिकली इसके ऊपर क्या रिएक्शन करते हैं या क्या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे बट हाउ एवर होल्ड फॉर वाइल एक बार कश्मीर के लिए आपका जो इमोशनल रिएक्शन है उसको एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए बिफोर वी डिस्कस कश्मीर लेट मी जस्ट एक्चुअली टेल यू अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज लाइफ फाउंडेशन कोर्स दैट इज लॉन्चिंग ऑन दिन ऑफ सेप्टेंबर राइट कश्मीर के बारे में बात करेंगे कश्मीर के बारे में ये डिस्कशन करना चाहते हैं आज कि कश्मीर इंडियंस के लिए जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है द जनरल पब्लिक डज इट एक्चुअली मैटर टू दैम या फिर बेसिकली वो कंप्लीटली इनडिफरेंट है या उनके लिए ये जो इशू है वो उनकी डेली लाइफ में कंप्लीटली पॉइंटलेस है राइट सो होल्ड दैट थॉट वोट यू फील अबाउट द कश्मीर एंड इफ यूर अस यूपीएससी एस्पिरेंट लिसन वेरी केयरफुली केयरफुलज लॉन्चिंग ए लाइफ फाउंडेशन बैच फॉर द सिविल सर्विस प्रिपरेशन फ्रॉम 14th ऑफ सेप्टेंबर

लाइव फाउंडेशन बैच नंबर फाइव यू बी एबल टू सी कि वो चौदह सितंबर शाम को छह बजे बिगिन हो रहा है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय नाउ पर क्लिक करना है एंड ये जो प्रोमो कोड ज्वाइन एं, या एंटर करने का जो प्रोसेस है यहां पर प्रोमो कोड की जगह एंटर करना है अमित लाइव ए एम आई टी एम आई टी एल आई वीई अमित लाइव एंड देन यू क्लिक ऑन दी अपलाई जैसे ही आप अप्लाई करेंगे जो कोर्स पच्चीस हजार रुपए का था उसका बेसिकली डिस्काउंट होकर उसके पैसे घटकर अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए हो जाएगा वैलिडिटी uh, है वो दो साल तक होगी यानी कि आप इसकी क्लासेस करेंगे लाइव उनकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएंगी और वो दो साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं ऑल द टेस्ट सीरीज ऑल द डिस्कशन नोट्स आपको जो मिलेंगे एंड यू ऑल्सो भी प्रोवाइडेड

सिख रूल वहां पर स्टेब्लिश कर दिया था 1819 से लेके 1846 तक ये महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर का पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का पूरा का पूरा पार्ट है लेकिन 1846 में सिखों का जो एम्पायर था इट वॉज डिफीटेड इन दर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यानी अंग्रेजों और सिख एम्पायर के बीच में जो वॉर हुई थी इस वॉर को डिफीट होने पर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एक था कि दो ट्रीटी साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन दोनों जो ट्रीटीज थी इनके अलग अलग प्रोविजन थे बट एक मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि बेसिकली सिख एंपायर का पार्ट हुआ करता था वो एक राजा को बेच दिया गया जिसका नाम है गुलाब सिंह जम्मू के राजा हुआ करते थे और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पचहत्तर लाख रुपए में पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी थी वो बेच दी गई थी गुलाब सिंह को एंडेम दी रूलर ऑफ दिटरी एंड सिंस एटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स से लेकर मोर प्रोसाइज टिल नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी 1947 गुलाब सिंह और इनके जो डिसेंडेंट थे बेसिकली उनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रूल किया गया था एज ए प्रिंसली स्टेट यानी कि ये मानते थे कि अंग्रेज जो है वो इनके सॉवरेन है या उनकी पैरामाउंसी के अंदर राइट सो ब्रिटिश क्राउन दे रूल्ड अंडर द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टिल द नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन लेकिन 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पार्टीशन यानी कि जो पूरा का पूरा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा ऐसी जो प्रिंसली स्टेट्स थी जम्मू एंड कश्मीर की या फिर और भी बड़ी सारी सी 500 से अधिक जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनको ऑप्शन दिया गया कि जो ये नए बनने वाले दो देश हैं भारत और पाकिस्तान वो उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सिचुएशन ये हुई कि उन्नीस में कश्मीर के जो रूलर थे उनका नाम था हरी सिंह and and he was basically unable to immediately take a decision and then, historical circumstances ही वॉज बेसिकलीबल टू इमीजिएटली टेकीजन एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंश्मीर है वो तीन countries के द्वारा administer किया जाता है पाकिस्तान ये अप्रोक्सीमेटली थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एरिया पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है अक्साई चीन का कुछ पार्ट है वो चाइना के कंट्रोल में है एंड द रेस्ट ऑफ द कश्मीर एक्चुअली बिलोंग्स टू the

में 48 में जब बिगिन हुआ था वो कंसिस्टेंटली पिछले 70 सालों से बना हुआ है और 70 सालों से चल रहा है नाउ बहुत समय बहुत बार इन 70 सालों में भारत ने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान के साथ इस मैटर को पीसफुली सुलझाने की पीसफुली समझाने की वी हैव शोन सेवरल इनिशिएटिव ओवर द डैकड्स 1972 के शिमला एग्रीमेंट से लेके 19 2002 के आगरा समिट से समिट एंड सो मेनी बैकडोर चैनल डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा बहुत सारे कम्युनिकेशन। वी हैव ट्राइड टू सॉल्व इट एज पीसफुली एज वी कैन परंतु सत्तर साल हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से उनके अनसेटिस्फैक्ट्री एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रोवोकेटिव रिस्पॉन्स क्योंकि जो पूरी की पूरी पाकिस्तान स्टेट है वो कंप्लीटली डिस्फंक्शनल हो चुकी है Has hardened द इंडियाज अप्रोच टू पर्टिकुलरली 2016 में जो पठानकोट के ऊपर टेरर अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा उसके बाद से जो इंडिया का स्टैंड है वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग या फिर कम्युनिकेशन का या नेगोशिएशन का या एंगेजमेंट का वो थोड़ा सा हार्डन हो चुका है और थोड़ा सा मस्कुलर हो चुका है द पॉइंट इज दैट कि नाउ इंडिया एक्चुअली बिलीव कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही समझाया जा सकता है एंड दे आर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर द पीस एक हिंदी कहावत होती है कि बातों के भूत नहीं नहीं लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते एंड दिस एक्चुअली वेरी एप्टली अप्लाइज टू दी पाकिस्तान कि इन आदमियों इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि ये मानने वाले ही लात खाके हैं दैट इज एक्चुअली द पॉइंट हियर अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान टू बी मोर प्रिसाइज इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद कश्मीर एंड क्योंकि वो वन टू वन डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन डायरेक्ट वॉर इंडिया के साथ नहीं जीत सकते हैं ड्यू टू द सुपीरियर इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री पावर विच इंडिया हैज सो दे एंगेज इन अ प्रॉक्सी वॉर विद द इंडिया

इंडिया की या पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल यूनिट एक दूसरे के साथ एंगेज करने या नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, so, जो डीप है, स्टेट है, किसी किसी रहते हैं इंडिया ने बहुत बार इट इज इनबल इन नंबरेबल टाइम्स इंक्लिनेशन शो की है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से पीस स्टेबलिश कर दी करी जा सके कश्मीर को डेवलपमेंट के या प्रोग्रेस के रस्ते पर लिया जा सके परंतु जब तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता रहेगा रीचिंग आउट दैट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल इट इज वेरी फनी एंड ऑल्सो आयरॉनिकल कि बेसिकली पाकिस्तान जो कि कश्मीर की टेरिटरी को अपना मानता है और क्लेम करता है अपनी सारी की सारी टेरिटरी एक्चुअली में चाइनीज इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे एक डेट ट्रैप के द्वारा खो रहा है चाइनीज आर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग इन द सीपीईसी जो चाइनीज पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है एंड स्लोली एंड स्लोली पाकिस्तान इज गेटिंग इन टू अ दट ट्रैप एंड स्लाई चाइना इज स्टारिंग कंट्रोलिंग दियर टेरिटरीज एंड ऑब्वियसली देयर पॉलिटिक्स ऑल्सो विच इज फनी बिकॉज दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर सम अदर टेरेटरी वैन देर ओन टेरेटरी इज बिंग कंट्रोल्ड बाई दाइना अगन एंड अगैन सवाल ये है द मेन इंपॉर्टेंट थिंग पॉइंट है दैट कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कश्मीर इशू को कभी भी जलने से बंद नहीं कर सकती रीजन बिंग क्योंकि उनकी आइडेंटिटी और उनका सर्वाइवल वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर इशू के ऊपर टिका हुआ है द होल पॉइंट इज दैट कश्मीर इशू अगर रिजॉल्व हो गया तो पाकिस्तान आर्मी का एग्जिस्टेंस का कोई खास रीजन नहीं बचेगा और जो वो पाकिस्तान की जो आर्मी है जो इस समय पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप uh, को या उनके पॉलिटिक्स में जो डोमिनेटेड डोमिनेशन का रोल प्ले करती है रोल प्ले करती है या इंपॉर्टेंस प्ले करती है सिग्निफिकेंस जो है पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा इनकेस द इशू ऑफ द कश्मीर इज बेसिकली एंड एनहेंस They keep on में रहता है कि जब तक कश्मीर जलता रहेगा कश्मीर के इशू को बर्न करते रहे मोर बेनिफिशियल मतलब पाकिस्तान को यह पता है पाकिस्तान की आर्मी को यह पता है कि वन ऑन वन कॉन्फ्रेंटेशन में हम नहीं जीत सकते हैं किसी भी तरीके से so, इंडिया के साथ थोड़े थोड़े से बैकडोर uh, वाले कॉन्फ्रेंटेशन ट प्रॉक्सी वॉर वाली कॉन्फ्रेंटेशन और इंडिया इस समाइंड ऑफ ए बोगी उसको बेसिकली बर्न अप करते रहना आर्मी की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उनका जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो उनका स्ट्रक्चरल रोल है वो उसके लिए जो कश्मीर इशू है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है सवाल

ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बेसिकली हम कश्मीर को किसी को कंसीड कर सकते हैं दिस हैज बिन आवर स्टैंडर्ड बिलीफ फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो फॉर द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो एंड सो इज विद द इंडियन पीपल ऑल्सो हमें इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि कश्मीर हैज बिन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री हवर पाकिस्तानी जो है जो पाकिस्तानी पीपल है द जनरल पब्लिक एक्चुअली जीरो इंटरेस्ट इन दी कश्मीर प्रॉब्लम इफ वी मे कॉल इट लार्ज बॉडी ऑफ दी ओपिनियन इन पाकिस्तान जो उनकी जनरल पब्लिक का ओपिनियन है दे आर बेसिकली एक्चुअली इन फेवर ऑफ़ हैविंग ए स्टेबल रिलेशनशिप विद इंडिया अगेंस्ट दर्मी आर्मी आर्मी का इंटरेस्ट स्पेसिफिकली अनस्टेबल रिलेशनशिप में है आर्मी की रेलिवेंस और आर्मी का सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ कश्मीर प्रॉब्लम की वजह से है तो दे वुड वॉन्ट दिस

डेवलपिंग कंट्री या जिनका ह्यूमन डेवलप इंडेक्स काफी लो हो जहां पर पॉवर्टी हो जहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो रही हो उनका होगा मतलब अपॉर्चुनिटीज इट पाकिस्तान को पिछले तीन या चार डेकेट से मिल नहीं रही है या तो उनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की गलती है या फिर बेसिकली शायद उनके आंखों के आगे किसी प्रकार का कलर्ड चश्मा लगा हुआ है कि उनका ध्यान कहीं और पे है अब क्वेश्चन पाकिस्तानियों के सामने जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी पब्लिक के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी कश्मीर इशू को स्पेसिफिकली हमेशा इंडिया के साथ जो कि इस समय वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है उसके साथ बेटर रिलेशनशिप्स के आड़े आते रहने देगा उसके बीच में आने देगा मोर इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली उस टेरिटरी कश्मीर के बारे में बात करें जहां से किसी ने भी कभी भी एक्सप्रेसिवली कोई ऐसी एक्सप्लिसिट डिटर्मिनेशन नहीं दिखाई है पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि, कि किसी दिन पाकिस्तान इस बात के ऊपर ऑब्सेस हो जाए कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए

कश्मीर की जो टेरिटरी पाकिस्तान करके बैठा है और जो चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा है एंड दी टेरिटरी से पार्ट भी, भी होना है कि इसको किसी तरीके से राइट और बिलीफ वो पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए नाउ दिस पैराडॉक्स इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाई पाकिस्तानी पब्लिक मोर इंपॉर्टेंटली आज तक कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं दिखाया गया है कोई ऐसा uh, प्रूफ भी नहीं है कि पाकिस्तान हैज एनी पाकिस्तानी पीपल हैज एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट और सम काइंड ऑफ अ पैशन अबाउट द अटैचमेंट टू दश्मीर इज एंड वेदर द द डिस्प्यूट हैज एनी रेजोनेंस फॉर ब्रॉड मेजोरिटी ऑफ द कंट्री यही मेरा उद्देश्य था पहले वाला सवाल पूछने का व्हेन वी थिंक अबाउट कश्मीर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज नो नेगोशिएशन अबाउट इट नो इंडियन एक्चुअली कैन हियर एनी अल्टरनेट व्यू पॉइंट अबाउट इट परंतु पाकिस्तानियों के लिए एक्चुअली में ऐसी कोई अटैचमेंट है नहीं ना ही उनके लिए रेलिवेंस है पॉइंट फॉर पाकिस्तानी जनरल सिटीजन जिसके लिए पॉवर्टी इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा मैटर करते हैं उनके लिए कश्मीर इज एक्चुअली नॉट अ रेलिवेंस है ही नहीं किसी ने जैसे कमेंट में लिखा था कि पाकिस्तानी जिनके पास चार पैसे नहीं है वो बेसिकली कश्मीर लेने चले हैं ये जो सेंटीमेंट है ये एक्चुअली में पाकिस्तानी पब्लिक को पता है क्यों क्योंकि उनका जो फोकस है वो उन्हीं चार पैसों पर है जिससे उनका कल चलेगा तो उनका ध्यान या उनकी अटैचमेंट जो है वो कश्मीर से हो ही नहीं सकती है और इसके साथ साथ ये जो भी पाकिस्तान में सिंध में पंजाब में बलूचिस्तान में पाकिस्तान वाले पंजाब में बलूचिस्तान में ऐसी कोई विश अमंग्स दी पीपल यू नो देर इज अ परसेप्शन अब लाइक पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें ऐसी कोई पब्लिक ओपिनियन में कभी भी शो नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी कभी चाहते हैं कि भाई कश्मीर बेसिकली पाकिस्तान का कोई पार्ट बन जाए या नहीं बन जाए और वही जो जनरल किसी भी आ, गरीब आ, कंट्री के गरीब लोगों के जो मेन इश्यूज होंगे पॉवर्टी एजुकेशन वाटर सप्लाई सैनिटेशन करप्शन सोशल इनजस्टिस दीज आर दी ओनली इशू एक्चुअली दे आर कंसर्न विद रिसेंटली आप देखिए अभी अभी पाकिस्तान इज एक्चुअली फेसिंग वन ऑफ दर्स्ट फ्लड्स इन देर इन द हिस्ट्री

प्रोग्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाटर सप्लाई हेल्थ जो मैटर करती है वो पाकिस्तान की जो पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हैसली गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड इट मिजरेबली एंड स्पेसिफिकली क्यों क्योंकि हमारी उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस बात से ऑप्शे उनकी जो आर्मी और गवर्नमेंट ऑल्सो वो इस बात से ऑप्सेस्ट है ना ही पाकिस्तान में आज तक कभी भी कोई ऐसा पॉपुलर प्रोटेस्ट देखा गया है कि वो गवर्नमेंट से कश्मीर के लिए कुछ स्पेसिफिकली मांग रहे हो ना ही कोई स्टूडेंट नेशनलिस्ट लिबरल वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसकी डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए और समथिंग इज लाइक सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद कश्मीर कि उनके लोगों का कोई इंटरनल कनेक्शन है कोई नेचुरल कनेक्शन है आज तक सत्तर साल हो चुके हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ है Which, which, which puts us into a कि अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी डीप स्टेट जो भी जागन वर्ड अगर हम यूज करना चाहें जस्ट देश टू बी मोर प्रोसाइज वो आर्मी के और पॉलिटिक्स के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके लिए इस डिस्प्यूट के अंदर स्पेसिफिकली बेनिफिट है या किसी प्रकार का फायदा है एक्चुअल पाकिस्तानी पीपल सिंपली एक्चुअली केयर अबाउट द इशू ऑफ द कश्मीर क्योंकि उनके लिए वो मैटर नहीं करता उनके लिए किसी बात की रेलिवेंस नहीं है नीदर डू दे फील एनी कनेक्शन विद इट एनी अटैचमेंट विद इट नीदर डे फील कश्मीर टू बी ना ही उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा है कि कश्मीर पार्ट होना भी चाहिए पाकिस्तान का ये सिर्फ और सिर्फ जो झंडा है ये सिर्फ और सिर्फ वहां की आर्मी जबरदस्ती घुमा के पूजी घुमा रही है लहरा रही है एक बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है दिस एरिया

इवन दो ऑल दीज पैराडॉक्स इज एक्जिस्ट कश्मीर जो है वो स्पेसिफिकली दोनों की दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें स्पेसिफिकली तो उनके पॉलिटिक्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार जरूरत पड़ने पर सेंट्रल रोल भी प्ले करता है परंतु पाकिस्तान लीडर्स के लिए चाहे वो सिविलियन लीडर्स हो जो उनकी पॉलिटिकल क्लास है चाहे वो उनकी आर्मी हो मिलिट्री लीडर हो कश्मीर एकदम इंपॉर्टेंट रैलिंग क्राई बन गया है जब भी बेसिकली किसी एक अपोनेंट को या दूसरे अपोनेंट को नीचा दिखाना हो या वोट्स लेने हो या कुछ और लेने हो स्पेसिफिकली कश्मीर का यूज करके उस चीज के पॉलिटिक्स चलते हैं आर्मी चलती है और बहुत often अब पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा जाता है you know, मतलब इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में डेवलप करना था और नेशन जो बिल्डिंग होती है दैट इज अ डॉन्टिंग टास्क इट टेक्स एफर्ट परंतु इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन जो है इनका किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर चला गया और जो ये नेशन बिल्ड करना था वो उसके अंदर ये मैसिवली फेल हो गए एंड वो जो रियलिटी का जो नैरेटिव है उसका ग्रिप इनसे धीरे धीरे छूट रहा है नाइनटीन में दे यूजुअली किसी प्रकार का कोई क्लेम रखते थे तो इंडिया अगर क्लेम रखता था तो कहीं ना कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री का इनसे कोई रैंडम सपोर्ट मिल जाता था बट इन 2020 नो वेस्टर्न कंट्रीज इवन रेडी टू सपोर्ट द नैरेटिव ऑफ द पाकिस्तान सेकंड इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इट इज द वन ऑफ़ इट इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन दर्ल्ड अगर हम यूएसए uh, और चाइना के बाद देखें तो जो सबसे पावरफुल मिलिट्री है वो बेसिकली भारत की है उसके बाद भी जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान आर्मी का वो नहीं जाता है बट द गुड थिंग इज दैट कि शायद जो पाकिस्तानी जनता है उनके लिए इस चीज का कोई खास मैटर नहीं है इंडिया पाकिस्तान कश्मीरी रिलेशन देखो

पॉपुलेशन है या पब्लिक है उनके इश्यूज इतने बुरे हो चुके हैं पॉवर्टी जो है कि उनके लिए कश्मीर मैटर नहीं करता है पाकिस्तान so no no की जो आर्मी है वो बस एक थ्रेड से हैंग कर रही है इस डिस्प्यूट को जिंदा रखने के लिए कि जब तक ये चलेगा उनका भी बेसिकली कोई रेलिवेंस बनी रहेगी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में दैट वॉज uh, this discussion, I believe. Nevertheless, आई बिलीव रगर आप यूपीएससी की preparation कर रहे हैं please do join the स्टडी आई क्यू लाइफ फाउंडेशन Batch बैच करने का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया था सिंपल सा तरीका है जस्ट यूज द कोड अमितइफ ऑन दी स्टडी आई क्यू वेबसाइट विल सी यू इन दोर्टींथ सेप्टेंबर शाम को छह बजे से क्लासेज हैं अगर आपको इस क्लास की पी चाहिए तो ये इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध है और इंडिया पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में आपके कोई व्यू पॉइंट हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मैंने कुछ यहां पर मिस कर दिया होता तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके जरूर बताइएगा आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेज टिल देन अ वेरी नाइस डे